एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को भड़काऊ भाषण के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, गांधी अस्पताल के बाहर हैदराबाद की तस्वीरें हैं। ये वही सरकारी अस्पताल है जहां से हिरासत में लिया गया आज अकबरुद्दीन ओवैसी को। आपको बता दें, लगातार स्वास्थ्य वजहों को सामने रखते हुए गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में लगे हुए थे, तिकड़म में लगे हुए थे अकबरुद्दीन ओवैसी। लेकिन भड़काऊ भाषण देने के मामले में पहले हैदराबाद में, फिर अदिलाबाद के निर्मला में 3 एफआईआर कुल इन पर दर्ज हैं। सख्त धाराएं जिनमें 121 शामिल है, 121 धारा यानी वॉर अगेंस्ट द कंट्री यानी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धारा लगाई गई है, नॉन बेलेबल है। इसके साथ ही 153A यानी धर्म और भाषा के आधार पर दो समुदायों को बांटने की कोशिश, 295 भी धारा इन पर लगाई गई है। अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम के वो विधायक हैं जिन्होंने एक के बाद एक भड़काऊ भाषण देने के बाद लगातार विवाद छिड़ा और वो स्वास्थ्य की वजहों के वजह से ये नहीं बताए कि उन्होंने फिट है ट्रैवल करने के वास्ते, जबकि सुबह से मेडिकल चले और उसकी रिपोर्ट अभी भी नहीं दी गई हमारे को। डॉक्टर नहीं बोल सके अब तक, तो मैं कौन होता बोलने वाला। ये जो डॉक्टर जब सुबह से मुआयना कर रहे थे, डॉक्टर्स का काम यह था कि उनको निकालने से पहले बताए कि ही इज फिट, उनके उनके अपने Not even mentioned. They said we will furnish it to you at the right time. I do not know what the right time is. We have been pestering them. We have been asking requesting, and they said 5 minutes, 5 minutes from 250 onwards till now. Even as of now, there is no medical report furnished to us of the findings made by this hospital and its authorities. No, there was everything, every cooperation offered, every minute to every person that came up, and he was very humble, even of offering that if you permit me to have a little food at my house, you can also join, pick me up from there and take me where you want, but do it according to the procedure. First produce me before the magistrate at Hyderabad because I will be in transit. They said we will do what we want. तो घर जाना चाहते थे अकबरुद्दीन ओवैसी गिरफ्तारी के पहले, खाना खाना चाहते थे, कुछ टॉयलेट्रीज अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन जाहिर तौर पर ये तमाम दलीलें धरी की धरी रह गई जो अकबरुद्दीन ओवैसी के वकील बता रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है भड़काऊ भाषण के मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस ने।